हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ न्यू फ्रेश वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक नया गैजेट जो मैंने ख़रीदा है, अभी वो डिलीवर हुआ है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू ऑल्सो। तो मैं काफ़ी अपने गैजेट्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था कि क्या लूँ, क्या लेना चाहिए। अभी तक मेरे पे कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, एज़ यू नो आई एम व्लॉगिंग ओनली बाय माई फ़ोन एंड GoPro, बस यही होता था। तो मैं यार एक एंगल अपना चेंज करना चाहता था कि एक या तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल जो चल रहा है सीधा सीधा, इसको थोड़ा कुछ अलग अलग दिशाओं से दिखाया जाए, आप समझ रहे हो। तो ये देखो, ये अभी आ गया है अमेज़ॉन से। तो अभी इसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं बॉक्स में क्या क्या है। वैसे मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है इसके अंदर क्या होगा। चलो तो अनबॉक्स करते हैं सीधा इसको। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो ये, अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है बॉक्स इसका, इंस्टा 361 ट्विन एडिशन। काफ़ी मस्त पैकिंग है इसमें, यहाँ इधर मेंशन कर रखे हैं सारे इसके फीचर्स और MRP, और इधर हैं कुछ फ़ोटोज़, और इधर है ये लोगो, इसका ब्रांडिंग है, 1 ईयर वारंटी इन इंडिया। चलो तो इस बॉक्स को भी फटाफट खोलते हैं। ये अपना बॉक्स खुलने जा रहा है। ओ वाओ, तो यार इसमें एक तो ये ऊपर ही मिलता है अपना 360 कैमरा, और ये है इसकी नीचे जो बैटरी इसमें लगती है बैटरी, और ये अपनी हो गई यूनिट, मेन यूनिट विद 4K कैमरा। फोकस हो रहा है ना, ये हो जा फोकस, ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये इधर से कुछ बैटरी के कनेक्शन के लिए यहाँ पर, और यहाँ एक छोटी सी स्क्रीन, और यहाँ ये मेंशन है 4K वाइड एंगल, और इधर है फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन। तो ये वैसे डी अटैचेबल होता है, ये देखो। तो ये चार चीज़ें और एक कैमरा बन जाता है, ये पूरा ही सब कुछ अलग है एकदम। ये आपकी स्क्रीन हो गई, ये आपका मेन 4K कैमरा, ये आपका 360 कैमरा जो दोनों तरफ है, और ये आपकी बैटरी। ये कैमरा नहीं है, ये तो देखो क्या है ये। इसके बॉक्स में कुछ और है तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एक चार्जिंग केबल है, आई थिंक टाइप सी। तब एक केस है इसका हेलमेट में लगाने के लिए कहीं भी। ये लेंस कवर है इसका, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में। ये भी जो लेंस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, हम ऐसे ही उल्टा सीधा कहीं भी रख देते हैं GoPro में ही देखा था मैंने, तो इसमें तो इन्होंने बहुत ही अच्छा ये कवर दिया हुआ है, लेंस कवर। ओके, ये तो माउंट के लिए है, और ये अपना नॉर्मल जो स्क्रू होता है माउंटिंग के लिए, ये दिया हुआ है। सो दैट्स इट। तो ये हो गई इसकी अनबॉक्सिंग, अभी चलते हैं सीधा बाहर इसको लेके और करते हैं इसकी टेस्टिंग, और आपको दिखाता हूँ मैं फुटेज। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 0.7K रेजोल्यूशन एट 30 FPS, और अभी यूजिंग इनविजिबल स्टिक। तो आप जरा इसके व्यूज देखो। जो रेजोल्यूशन मैंने सेट किया है पता नहीं कैसा दिख रहा है, बस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप इसके मज़े लो। और मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, विदाउट माइक यूज़ कर रहा हूँ,
तो पता नहीं कैसी ऑडियो आ रही होगी, थोड़ा विंड नॉइज आ रहा होगा या थोड़ा काम चल रहा है बिल्डिंग में तो वो भी वोग नॉइज भी आ रहा होगा। ये देखो आप, जैसा अभी देखा आपने मैंने एक पार्क में शूट किया 360 एरियल में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको गाड़ी में भी शूट किया जाए। मैंने सोचा कि गाड़ी में भी शूट किया जाए, तो गाड़ी का आप फुटेज देखो, उसके बाद बाइक का भी है फिर उसके साथ, तो प्लीज़ देख के बताना कि कैसा लगा आपको, फिर उसके बाद मैं मिलता हूँ। कैसी लगी वीडियो गाड़ी की और बाइक की, मैंने टेस्टिंग की,
काफ़ी, मुझे तो मैंने जो देखी वो काफ़ी सही लगी है यार। तो अभी इसको मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी मैं दूसरा जो इसका लेंस होता है सेकेंडरी 4K लेंस, तो उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने वो लेंस चेंज कर दिया है, तो आप देख रहे होंगे क्वालिटी कैसी आती है इस कैमरे से भी, जो इसका सेकेंडरी लेंस है। आई थिंक ये प्राइमरी बोलूँ या सेकेंडरी, लेकिन 360 कैमरा है तो 360 इज़ अ प्राइमरी, तो सेकेंडरी ये हो गया। और पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कैमरा अभी तक, और एक दो दिन ही हुए हैं यूज़ करते हुए। आगे भी अभी वीडियोज़ आएंगी तो उसमें मैं सारे इस्तेमाल करूँगा, इसको यूज़ करूँगा। तो ये रेजोल्यूशन भी आप इसका सेट कर सकते हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ से, और यहाँ पर नीचे फ्रेम सेट कर सकते हैं, और इधर से अगर राइट स्वाइप करें तो आप ऑटो मैनुअल मोड यूज़ कर सकते हैं इसमें, और अगर डाउन करें तो इसमें जो मोड हैं, कैमरा मोड स्टैंडर्ड हुआ, टाइम शिफ्ट और स्टैंडर्ड, ये सब यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अगर लेफ़्ट स्वाइप करते हैं तो आप जो आपने रिकॉर्ड किया है वो आपको यहाँ प्रीव्यू दिखा सकता है। ये देखो इसमें प्रीव्यू चल रहा है, तो इस तरह से ही दिखता है इसमें प्रीव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना ये कैमरा, और अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है। इसकी इनविजिबल जो स्टिक है वो भी मैंने ली थी फ्लिपकार्ट से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट किए बिना मत जाना, और बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा इस कैमरे में, और आप लेने वाले हो या नहीं तो प्लीज़। और हाँ यार, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार देख ले तो और ऐसे चले जाते हो, स्किप करना मत वीडियो को भी पूरी देखना, और प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जल्दी एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ इसी कैमरे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।